मीरा बाहिंदर शहर के समाज सेवी चिनप्पा मोजेस पहुंचे पुलिस स्टेशन, जहां पुलिस स्टेशन के बाहर ही जमकर हंगामा देखने को मिला। वजह यह थी कि हंगामे के पीछे की छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के दुरुपयोग पर आक्षेप लिया है। प्रॉपर्टी इवेंट के बैनर पर बिना किसी अभिवादन के छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाए जाने पर शिव प्रेमी चिनप्पा मोजेस ने आक्षेप जताया। साथ ही इस आशय से संबंधित शिकायत मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे तथा मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से किया। इस दौरान क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में मोजेस चिनप्पा ने। देखो दीदी, अभी आपने शिवाजी बोला तो मैं आपको प्यार से क्या बोलूँगा, शिवाजी महाराज बोलो। आदमी कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है, बराबर। मेरे जैसा छोटा आदमी शिवाजी महाराज के लिए क्यों लड़ रहा है, उसका कारण ये है कि पिछले 4 दिन से मीरा भाईंदर शहर में एक बैनर लग रहा है, प्रॉपर्टी एग्जीबिशन। मुझे बिल्डर लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ग्राउंड के मालिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऑर्गेनाइजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि एक इतना बड़ा न्यूज़पेपर मिडडे, हम जब कॉलेज में थे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद मिडडे आता था, आज भी शायद मिडडे नंबर 2 नंबर 3 पे, उसका इतना बड़ा सर्कुलेशन है, वो अपने सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया और मीरा भाईंदर के जो होर्डिंग है उसके अंदर एक बैनर डाल रहे हैं जहाँ पर वो लोगों को 2 से 4 तारीख के लिए आने के लिए बोल रहे हैं। पर लेफ्ट में कॉर्नर में एक शिवाजी महाराज का वो तलवार ऐसे लिखे हुए, उनका मस्त फोटो है, आँख में आंसू आ जाते थे कि इतना वीरता है। वो फोटो को इन्होंने पब्लिसिटी के लिए यूज़ किया है। तो जब मैं फ्लाइट था तो मैंने बोला कि मैं फ्लाइट से लैंड होकर देखता, मैंने रात को 2 बजे देखा, कहीं पर भी नाम नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज, माना चमुजरा, जय भवानी जय शिवाजी। मेरा ये मानना है कि बिना चैरिटी के, बिना सोशल वर्क के और बिना गवर्नमेंट वर्क के अगर कोई भी प्राइवेट आदमी शिवाजी महाराज अपने यहाँ क्राउड लाने के लिए कर रहा है तो वो गलत है। फिर भी मैंने अपने गुस्से को शांत रखने के लिए कल एक लेटर भेजा, DYSP को भेजा, कमिश्नर को भेजा, सब जगह भेजा, एज यूजुअल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ठीक है, नो प्रॉब्लम, शायद अभी तक उन्होंने लेटर भी नहीं पढ़ा होगा। सवेरे मैंने मेरे ड्राइवर को भेजा 9 बजे ग्राउंड में, 11:15 बजे तक वो ग्राउंड में था, क्योंकि मुझे कुछ मगजमारी नहीं करना है, मैं शांत स्वभाव का आदमी, सोशल वर्कर हूँ, राजनीतिक मुझे उतना पसंद नहीं है। वहाँ पर जाके हमने देखा कि शिवाजी महाराज का कहीं भी स्टैचू नहीं है। तुमने शिवाजी महाराज का 500 होर्डिंग डाला, सोशल मीडिया डाला, जो भी किया, 500 कह रहा हूँ, शायद 5 डाला होगा, लेकिन एक शिवाजी महाराज का फोटो फ्रेम वहाँ रखे, उनको हार डाल के नमन करने में क्या जाता है? तब सही मानने में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं श्रद्धा है। और आप सबकी जानकारी के लिए इस हफ्ता पूरे भारत में जल्लोष होने वाला है। शिवाजी महाराज का 350 साल का अभी राज्याभिषेक है, पुलिस स्टेशन में से कॉपरेट करने के लिए तैयार है। थोड़ा हमारा हीटेड हो गया क्योंकि उसमें से एक स्टाफ ने बोला कि इसमें गलत क्या है, थोड़ा मैं उत्तेजित हो गया, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन मेरे को पुलिस स्टेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब 4 दिन से बैनर था, आप लोग क्या सो रहे थे? अम्बेडकर साहब है, शिवाजी महाराज है, जितने भी अपने महान पुरुष है, अगर किसी आम व्यक्ति से गलती होता है बैनर में डालने, आप उसको जाके सुधारो। हर वक्त आप रुको मत कि किसी ने तकरार नहीं दिया, वो गलत होता है करके। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर आया हूँ, आप तुरंत कार्रवाई करो, मुझे आश्वासन दो। आप अगर उसका प्रोग्राम चलने जाएगा, महाराज का अपमान हो रहा है। मैं कहता हूँ ना, पुलिस वाला हो या मैं हूँ, अगर मेरे माँ बाप का फोटो किसी ने गलत लगाया है, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूँगा। वही मेरी रिक्वेस्ट पुलिस वाले से, और मैंने उनको ये भी कहा, शायद मेरा नॉलेज गलत हो तो मुझे आप लिखित में दे दो कि आपका तकरार मिला है, बैनर कोई भी आलतू फालतू आदमी यूज़ कर सकता है, और आप गलत हो, मैं तुरंत यहाँ से मैं अपने ऑफिस चले जाऊँगा और फ्यूचर में नहीं आऊँगा। मैं क्यों मैसेज देना चाहता हूँ, अगर पुलिस मुझे सपोर्ट करती है तो आने वाले वक्त में कोई भी दूसरे महान पुरुष का नहीं करेगा। मैं पुलिस स्टेशन, पहले हमारा प्लान था कि हम ग्राउंड में जाएँ, ऑर्गेनाइजर से बात करें, उनके साथ तूतू में हो गई, यहाँ पर कनकिया पुलिस स्टेशन से हमारे संबंध अच्छे हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आपको अगर लगता है गलत है तो तुरंत जाके बैनर निकालो, प्रोग्राम चलने जो, हमको प्रोग्राम में भी नहीं जाने का है। देखो पुलिस की तरफ से वो भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब तकरार, देखो पुलिस का भी हमको लगता है कि उनके सबके पर नज़र होनी चाहिए। हो सकता है कि 3-4 दिन से जब बैनर लगाओ उस चीज़ पे उनका ध्यान नहीं गया हो, लेकिन अगर हर एक पुलिस में से 200-250 स्टाफ है, एक को तो कहीं ना कहीं महाराज का यहाँ चुभना चाहिए था करके, वो मुझे आश्चर्य लगा कि इनको दिखाने। मेरे पुलिस वाले से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की कार्रवाई के लिए आप तकरार के लिए मत रुको, आप खुद ही जाके उनको बोल दो। उनका प्रोग्राम करोड़ों का है, वहाँ पर ना वो शिवाजी महाराज को प्रतिष्ठान को कोई डोनेशन दे रहे, ना कोई गरीब बच्चे को कोई कपड़ा देने वाले, वो अपना कमर्शियल कर रहे। फिर भी मैंने अपने गुस्से को शांत रखा, मैंने मेरे ड्राइवर अदिल और रमेश को वहाँ भेजा, मैं बोला उधर जाके देखो महाराज का प्रतिमा रखा है क्या, अगर प्रतिमा रखा रहेगा तो हम लोग ऑफिस जाते करके, हम लोग मैक भी ऑफिस ही जाना है अभी आपका प्रोग्राम करके। तो मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत वहाँ पर जाके मिड डे वाले को समझाएं, उनसे लिखित में मेरे नाम पे नहीं, तुम्हारे नाम पे बोलो कि अनजाने में गलती हो सकता है, कि उन्होंने किसी की हिम्मत नहीं है कि जानबूझ के गलती करे, लेकिन साहब जब मिड डे वाला ऐसा गलती कर सकता है, पुलिस प्रशासन को आगे जाके तकलीफ होगी। कल को ब्यूटी पार्लर वाला शिवाजी महाराज का फोटो लगाएगा, शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है उसके आजू बाजू में 2 वाइन शॉप है, मुद्दे बहुत है, लेकिन मेरे को पॉलिटिक्स नहीं करना है,
मेरे को मेरे घर के सामने दिन रात मेरे यहाँ पर पूजा होती है शिवाजी महाराज की। महीने में एक बार उसको दूध से नहलाया डालता है। राज्य अभिषेक एक हफ्ते का होगा। मेरा लगाव सभी महाराष्ट्र के जैसा शिवाजी महाराज के लिए। और जब ये फोटो देखा, काफ़ी राजनीतिक लोगों को मैंने दिखाया, बोले मुझे से गलत है। आज नवभारत टाइम्स में कार्य किया, नवभारत टाइम्स का जो रिपोर्टर है मीरा रोड में, उसने कहा था साहब हम लोग पेपर के अगेंस्ट नहीं लिख सकते। साहब आज उसका कटिंग आया, नवभारत को लग रहा गलत है, 6 न्यूज़पेपर वाले को लगता गलत है। अगर पुलिस मुझे आश्वासन देती है कि हम लोग जाके सब बैनर निकाल लें मेरे सामने, मैं ग्राउंड के अंदर भी नहीं जाऊँगा। और ये सब जो लोग जमा हुए हैं पुलिस के लिए और मीडिया के लिए बताऊँ, ये कोई दंगे करने नहीं आए। चंगू किधर है? ये चंगू मुझे 15 साल के फेसबुक में मिला। ये पहले सब कुलाबा में रहता था करके। ये मेरा ड्राइवर है जय, मेरे यहाँ ढोल बजाता है गणेश, ये ड्राइवर। यहाँ पे कोई कार्यकर्ता बीजेपी शिवसेना वाला नहीं है। मुझे शिवसेना के ग्रुप में डालने कितना टाइम लगता है? मुझे थोड़ी दंगे कराना है, पुलिस को भी टाइम देना है। उन्होंने कहा कि मुझे आज तुमने अभी लेटर दिया है। समाज सेवक का काम करते हैं मोंजिस भाई को 15 साल से हम लोग जानते हैं। हर चीज में कोई भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। साहब संभाजी महाराज का जब पूना में प्रोग्राम होता है, ये अशोक अठावले जहाँ पर संभाजी महाराज की मूर्ति हुई थी, जहाँ पर उनका पूरा अंग को काट के फेंका गया था, ये मुझे वहाँ पर लेके जाता है। मैं वहाँ पर जाता हूँ। पुलिस स्टेशन का ऑन रिकॉर्ड है, CCTV चेक कर लो। पिछले एक साल में मुझे 200 फोन आए रही है, हमको ये तकलीफ हो रही है, हमको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि आधे टाइम सामने वाला झूठी बोलता है। मैं पुलिस स्टेशन में आता ही नहीं हूँ। आज शायद थोड़ा बहुत पुलिस वाले लोग से मेरे अनकनी हो गई, होता है, वो भी शिव प्रेमी, मैं भी शिव प्रेमी हूँ। मेरी उनसे यही विनती है, अगर मैं अपनी जगह पर सही हो तुरंत आप कार्रवाई करो, क्योंकि मिडडे का पुलिस वाले पीछे खड़ा रहकर सुन रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मिडडे वाला हर हफ्ते में साहब एक एग्जीबिशन लगाता है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ कर्लो कुर्ला में। मैंने उनका साहब गूगल में चेक किया, पिछले 2 साल में अगर उन्होंने 200 एग्जीबिशन किया, कहीं भी शिवाजी महाराज को नहीं डाले। मैं आपको बता इस बात पे रोकना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी, शिवाजी महाराज की वही फोटो लगी है जो काशीमीरा में स्टैचू लगा है, शायद उन्होंने ये प्रोमो के लिए वो फोटो का। ठीक है, तो उसके लिए मैं 2 चीज़ कहूँगा। आप जब कोई आमदार का फोटो डालते हैं, आप लिखते हो ना आमदार और उसका नाम। आज अगर ऋतिक रोशन आएगा, आप लिखोगे ना बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन आपसे 5 करोड़ लेगा। मेरा महाराज तो 350 साल पहले गया, आप उसको महाराज या मुजरा, जय भवानी जय शिवाजी का, आप उसके सर गेट पे जाइए। शिवाजी महाराज के घोड़े के बाजू में 35+ प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। ये सब उन्होंने गलती की है मैडम। अगर ये आप लोग इसको आज बढ़ावा देंगे, कल ये पुलिस वाले को सामने वाला ब्यूटी पार्लर को एक्शन नहीं लेने पाएगा। मेरा क्या मुद्दा है? मैं थोड़ी उनसे कुछ एक्सटॉर्शन मांग रहा हूँ या बिल्डर से कुछ पैसा मांग रहा हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए शिवाय। और अगर पुलिस स्टेशन पे ये बोलते कि मुझे तुम गलत हो, मैं घर जाने तैयार हूँ। मैं पुलिस स्टेशन क्यों आया हूँ? तकरार मैं चाहे तो पब्लिसिटी के लिए वहाँ जाता था, लाइव जाता था, बैनर वैनर फाड़ देता था। मेरा महाराज क्या तुमने गलत है? मैं बैनर निकाल सकता हूँ साहब, 20x20 का उधर टोटल 10 बैनर लगा है, मेरा खुद के 2 बैनर लगते हैं, मैं रात को बैनर निकाल सकता था, मैंने नहीं किया। मिडडे ने जो हरकत की है गलत है। उनका हर महीने एग्जीबिशन होता है, उनको आने वाले एग्जीबिशन में फोटो नहीं यूज़ करनी चाहिए, उनको कानून पढ़ने चाहिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, पुलिस वालों को जाके मिडडे के CEO से उधर बात करो, उसको कानून पता ही नहीं होगा। अगर पता होगा तो मुझे आप बताइए। और दूसरी बात, अगर आप महाराज का फोटो डाल रहे हैं यार, उनको ऐसा मत डालो, उनके लिए अलग स्क्वायर बनाओ, उनका राज्याभिषेक के बारे में लिखो, माना चो मुजरा लिखो, जय भवानी जय शिवाजी लिखो। जो शिवाजी महाराज की वजह से तुम्हारे यहाँ इतने क्राउड आ रहे, प्रोग्राम चालू होने के बाद पहले उनको एक शॉल पहनाओ, उनके ऊपर हार डालो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे मूर्ति नहीं है तो एक फोटो डाल डालो, गलत है ना? देखो सभी कनकिया पुलिस वालों से मेरा कोविड से रिलेशन है, मुझे नहीं लगता कि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। वो कुछ शिव भक्त है, शिव प्रेमी है, वो क्यों नहीं करेंगे करके मुझे आश्चर्य होगा कि अगर वो नहीं करेंगे। अगर मुझे वहाँ से सहायता नहीं मिलेगी, मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा और बैनर निकालूंगा।